क्या आप सबके मन में ये डाउट है कि व्हाट आफ्टर ज्वाइनिंग एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद क्या करना चाहिए? आपकी आईडी बन गई है, आपने ज्वाइन कर लिया, अपने बैंक अकाउंट भी अपडेट कर लिया, बट आप आगे क्या करना है, पैसे कैसे कमाओ? तो डरिए मत, आज के स्पेशल वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि काम कैसे स्टार्ट करना है या से अर्निंग कैसे करनी है ज्वाइन होने के बाद। और ये वीडियो देखने के बाद आपका 80% काम पूरा हो जाएगा और बस आपको 20% ही काम डेली का करना है। तो दिल थाम के बैठिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल वीडियो में। तो चलिए बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपने बालों के साथ खेलना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। सबसे पहले आपका कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपनी लाइफ को चेंज करने का डिसीजन लिया। इवन आप किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, तभी भी आज की ये वीडियो आपको बहुत आगे लेके जाएगी, तो बने रहिए एंड तक। आज के इस वीडियो में आपको कुछ स्टेप्स पता लगेंगे, उन्हें आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। सबसे पहले आपको एक काम कर लेना है, जिस भी प्लेटफॉर्म में आपने ज्वाइन किया है वहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स, KYC ये सारी चीजें कम्प्लीट कर लेनी है। एक बार आपकी आईडी प्रॉपर सेटअप हो जाए तब आपकी सबसे पहली स्टेप होगी वॉच ऑल द कोर्सेस। हाँ, ये सबसे पहला कदम होगा कि आपको कोर्सेस देखने, जो आपने पैकेज खरीदा होगा उस हिसाब से आपको कोर्सेस मिलेंगे और वो कोर्सेस एक बार कंप्लीट आपको देख लेने और जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे आपको एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। सेकंड स्टेप आपका रहेगा आपकी प्रोफाइल। ध्यान रखना, आपकी प्रोफाइल आपके काम का 90% हिस्सा है, मतलब जो भी आप अपने प्रोफाइल में दिखाओगे सामने वाला उसी से ही आपको जज करने वाला है। तो आपका अपने प्रोफाइल पे एक ऐसी जबरदस्त फोटो लगानी है जिसमें आपका चेहरा सामने वाले को अच्छी तरह से नजर आ जाए। फोटो लगाई, ओके। तो अब बारी है एक अच्छे से बायो की। अब आपको अपना बायो ऐसा लिखना है जिससे सामने वाले को ये पता चले कि आप कौन हो और क्या करते हो। अब ऐसा बायो कैसे लिखना है? जो ज्यादा अर्निंग्स कर रहे हैं ऐसे लोग को आप ढूंढना है। कम से कम 5 लोगों को ढूंढो और उनके जैसा बायो आपको लिखना है। ऐसे करके आप अपना खुद का एक मस्त बायो क्रिएट करो। एग्जाम्पल के लिए आप हमारा बायो चेक कर सकते हो, आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे लिख रहा है। अब आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। कर लिया सब्सक्राइब, ओके। तो चलो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आपको बनानी है अपनी हाइलाइट्स। अब हाइलाइट में क्या क्या बनाना है ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको सामने दिख रहा होगा कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर हाइलाइट्स बनाने हैं। आपको अर्निंग प्रूफ पे हाइलाइट बनाओ और उसमें बाकी के लोग जो अर्निंग्स कर रहे हैं उन्हीं के जैसे आपको अर्निंग्स वैसे के वैसे उठा के स्टोरीज में लगाने और उसे अर्निंग प्रूफ वाले हाइलाइट्स ऐड कर देना है। सिंपल, आप ट्रेनिंग्स के हाइलाइट बनाओ। जब आपकी ट्रेनिंग्स चल रही होती है तब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दो और लगा दो अपनी स्टोरी पे और एक अच्छा सा गाना लगा के हाइलाइट्स में ऐड कर दो। और तरीके के आप हाइलाइट्स बनाओ, उसके आइडियाज आपको सामने दिए हैं, उसके रिलेटेड आप हाइलाइट्स बना सकते हो। और हाइलाइट्स के कवर अच्छे से बनाओ। अगर कवर बनाना नहीं आता तो प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो हाइलाइट्स कवर और जो एप्लीकेशन आपको अच्छी लगेगी उसे इंस्टॉल करो और हाइलाइट के कवर बनाओ। एग्जांपल के लिए आप हमारी प्रोफाइल चेक कर सकते हो। अब ये हो गया हमारे हाइलाइट्स रेडी, ओके। अब आपका यहाँ से डेली काम चालू होता है जो आपको हर रोज करना ही करना है। अब है स्टोरीज। बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता कि स्टोरीज पे क्या लगाए और कितनी लगाए। तो स्टोरीज का ये इम्पोर्टेंस होता है कि जब कोई लीड आपकी स्टोरीज को देखता है तो उसे भी फील होना चाहिए कि यार ये काम तो मुझे भी करना चाहिए, यहाँ तो सब लोग पैसे कमा रहे हैं। स्टोरीज पे आप एफिलिएट मार्केटिंग की मीम्स लगा सकते हो। इंस्टाग्राम पे सर्च करो कि एफिलिएट मार्केटिंग मीम्स, आपको कई सारे पेजेस नजर आ जाएंगे। उसमें से कुछ मीम्स उठाओ, स्टोरीज पे अपलोड कर दो और दूसरे के अर्निंग प्रूफ स्टोरी, मोटिवेशनल कुछ लगाओ, बाकी एफिलिएट मार्केटिंग की स्टोरी देखा करो। जैसा वो कर रहे वैसा आप करते जाओ, जो वो स्टोरीज लगा रहे वैसे आप अपनी खुद की लगाओ। और अगर आपको किसी की स्टोरी डाउनलोड करनी है तो सिंपली गूगल पे सर्च करो storiesaver.net, उस वेबसाइट पे जाओ और जिस भी किसी की स्टोरी आपको डाउनलोड करनी है उसका यूजर नेम डालो और स्टोरी डाउनलोड करो और अपनी स्टोरी पे लगाओ। ध्यान रखना, आपको हर 2 घंटे में 1-2 स्टोरीज लगानी है और दिन में कम से कम 8-10 स्टोरीज लगानी ही लगानी, क्योंकि जब भी कोई अपना इंस्टा अकाउंट ओपन कर लेगा तो उन्हें आप स्टोरीज में नंबर 1 पे दिखने चाहिए, ओके। इसके बाद आपको डालना है बहुत सारा कंटेंट जिसे सामने वाले को लगेगा कि हाँ इस बंदे को नॉलेज है और ये बंदा रेगुलर काम करता है। तो आपको डेली 2 पोस्ट डालनी ही डालनी है। ज्यादा से ज्यादा रील्स डालने की कोशिश करो और रील्स बहुत ही सिंपल तरीके से बनाओ, जैसे कि जिसमें वैल्यू हो और लोग आपको फॉलो करें। एग्जांपल के लिए आप हमारी प्रोफाइल चेक करो, रील्स चेक करो, आपको पूरा समझ आ जाएगा। अब आपको लास्ट में एक काम करना है, वो है लीड जनरेशन। सबसे मुश्किल पार्ट लोगों को यही लगता है, तो हमने इस पर बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है कि हाउ टू जनरेट रेगुलर लीड्स। ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और हमारे सारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स को फॉलो जरूर करना। मिलते हैं अगले न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और लेट्स लर्न विद हेल्पिंग ब्रदर्स।